कोयलांचल की लाइफलाइन माने जाने वाली धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड और उस पर चलने वाली डीसी सवारी गाड़ी दोनों यहां के वासियों के लिए खास महत्व रखता है। रेल ट्रैक के नीचे भूमिगत आग का कारण ब्रेकर पीएमओ के आदेश के बाद जून 2017 के में इस रेल खंड को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लंबे आंदोलन के बाद लगभग 2.5 वर्षों के बाद रेल खंड को चालू किया गया, पर डीसी रेलखंड अब तक चालू नहीं हुआ। कोयलांचल वासियों की चिर परिचित मांग डीसी सवारी गाड़ी का परिचालन पुनः सुचारू किया जाए अब पूरा होने को है, जिसकी विधायक ढुलू महतो ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। प्रेस वार्ता के संबोधन में ढुलू महतो ने जानकारी दी कि गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और कई माननीय के सहयोग से आज यह तय हो चुका है कि डीसी सवारी गाड़ी आगामी 10 जनवरी 2024 से होना तय है। साथ ही यह जानकारी दी कि फिलहाल दिन भर में एक जोड़ी डीसी सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू होगा, जो धनबाद से चंद्रपुरा तक ही चलेगी। धनबाद डीसी रेल लाइन को आग का खतरा बताते हुए कुल 26 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन इस रूट पर बंद हुआ था। बाद में एलएपी मौर्य रांची इंटरसिटी समेत कुल 6 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। 10 दिसंबर को धनबाद चंद्रपुरा पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा हो चुकी है। बागमारा विधायक ढुलू महतो ने इसकी घोषणा भी की है, लेकिन ताजुब की बात है कि जिस रेल लाइन पर 6 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन हो रहा है उस पर अब भी खतरा बरकरार है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी डीजीएमएस के महानिदेशक प्रभात कुमार का कहना है। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रभात कुमार ने कहा कि डीसी रेल लाइन के आसपास के इलाके का रेगुलर सर्वे किया जाता है। आग के बढ़ने की वस्तु स्थिति पर नजर रखी जाती है। आग है तो डीसी रेल लाइन को खतरा है। डीसी रेल लाइन पर जो ट्रेनें चलती हैं उनकी रफ्तार काफी धीमी रहती है। सुरक्षा के साथ लोगों की समस्या का ख्याल रखते हुए रेलवे ट्रेनों का परिचालन कर रही है। किसी समय बंद हो गई थी, लोगों की मांग पर इसे चालू किया गया है, लेकिन डीसी रेल लाइन को अब भी खतरा है। उन्होंने बताया कि डीसी रेल की आग से खतरा है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद डीजीएमएस कर रही है। इसके साथ ही सिम्फर और बीसीसीएल के द्वारा भी आग की मॉनिटरिंग कर रही है। तीनों की मॉनिटरिंग पर ही डीसी रेल पर ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। तीनों की रिपोर्ट में यदि जरा सी भी मिस्टेक हुई तो कभी भी हादसा हो सकता है। कल डीसी ट्रेन में हम लोगों ने यहाँ पे स्वागत जो का कार्यक्रम रखे हैं, जो इस क्षेत्र की जनता ने रखा है, इसके लिए हम लोगों ने इसका रूपरेखा तैयार किए हैं और ये आश्वस्त हम लोगों ने राज्य क्षेत्र की जनता को किए हैं। डीसी ट्रेन जो बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों का सपना था, वो सपना पूरा होते जा रहा है। हम खुशी, इस क्षेत्र के लोग में खुशी का माहौल है और हम सभी क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहेंगे कि कल सुबह 7 बजे कतरास स्टेशन में आकर अपना भागीदारी दे। लोगों का सपना पूरा होते जा रहा है, तो कुछ ऐसे समाचार हम सबों के सामने आया जो खान निदेशक प्रभात कुमार जी हैं उनके द्वारा कि यहाँ पे खतरा है, ये है, वो है, 10 बहुत तरह का बातें आई है। तो उसको हम प्रभात कुमार जी को हम कहना चाहते हैं कि डीसी ट्रेन और मालगाड़ी में लोड का अंतर उनको पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं है तो वो अपने से फिर से पढ़ाई करे और इसका पता करे कि मालगाड़ी में लगभग 4200 से 4500 टन का लोडेड होता है और डीसी में बहुत ज़्यादा सवारी होगा तो हमको लगता है कि 20 टन भी नहीं होगा, 2000 टन भी नहीं होगा, उसमें 4000-5000 टन होता है मालगाड़ी में, ये 2000 टन भी नहीं होगा। तो जब उसका खतरा नहीं तो इसका खतरा कैसे है? सारा एक्सप्रेस इसी में चल रहा है, माल ढोला इसी में चल रहा है, इसलिए ये डीसी चलने के बाद डीसी चलने का सुनने लगा लोग, जब गलत मानसिकता रखने वाले लोग, तो तरह तरह का उनसे बयान दिलवाने का काम कर रहा है। और मैंने इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर डीसी बंद हुई तो सारे ट्रेन, सारे मालगाड़ी भी जितने हैं वो अपने आप बंद होगा इसका मतलब। मगर हम लोग ऐसा किसी कीमत पर, केंद्र सरकार का मानसा है ना हम लोगों का मानसा है, हम लोगों का मानसा है, केंद्र सरकार का स्पष्ट मानसा है कि किसी भी कीमत पर ये लाइन बंद नहीं होगी और सारे ट्रेनें इस पर चलेगी। और जो आग का हवाला जो
डीएमएस द्वारा दिया जा रहा प्रभात कुमार जी के द्वारा, उसमें क्षमता नहीं है। कौन सी का पढ़ाई पढ़ा है कि वो आग को रोक नहीं सकता, आग खत्म नहीं कर सकता है? पढ़ाई उसी का पढ़ा है, डीजीएमएस का वो निर्देशक हैं, तो उनको तो कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए, कैसे ये किया जाए, उस पर सोचना चाहिए ना कि सेम्पर के वैज्ञानिक लोग भी लगे हुए हैं। और मैंने सीएमडी और कोल इंडिया चेयरमैन से भी मैंने बात किया कि इस पर अगर लगाम नहीं लगे और अगर ये किसी तरह का खतरा में आया तो बीसीसीएल को किसी भी कीमत पर एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि इससे गरीबों का भावना इस डीसी ट्रेन से जुड़ा हुआ है। पूरी तरह गंभीर है और हम हमेशा नज़र रखे रहते हैं, रेगुलर आसपास के इलाके का सर्वे होता है कि आग कहाँ तक बढ़ रहा है, कहाँ तक खतरा बढ़ रहा है। अब देखिए, आग है तो डीसी लाइन को खतरा है, हम बोलते आ रहे हैं। अब डीसी लाइन पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, एक तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत स्लो स्पीड में चलती है, वो रेलवे अपना सुरक्षा लेते हुए लोगों को की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चला रही है। किसी समय बंद हो गई थी, बट जो भी लोगों की डिमांड पर चालू की गई, खतरा है। बट खतरा पे बीसीसीएल भी लगातार निगरानी रखे हुए, जो सिम्फर हमारा इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी लगातार ध्यान रखे हुए, हमारे पास भी रेगुलर रिपोर्ट आ रही है और उसको लगातार हमारे लोग जाके भी देखते हैं क्या स्थिति है, कहाँ तक बढ़ी है। तो वो जहाँ तक रिस्क लेके चलाने वाली बात है, वही रिस्क पे हम लोग चल रहे हैं। जहाँ तक सुरक्षित है, पहले उसको इतना सुरक्षा लिया जा रहा है कि घटना लेने होने से पहले उसको रोका जाएगा, तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि अगर नेग्लिजेंट हो जाए तब तो घटना हो जाएगी। नेग्लिजेंट नहीं है वो, हमको पूरा जागरूक रहते हुए अपने आँख कान सारे ज्ञानेंद्रिय खोल के रखते हुए भी देखते हुए काम करना है, वो अभी कर रहे हैं। जिस दिन हम ढीला पड़ गए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो बीसीसीएल या डीजीएमएस या सिम्फर किसी के भी रिपोर्ट में गड़बड़ आएगी, ढीला पड़ गए तो हमारे दुर्घटना की स्थिति बढ़ जाएगी। अभी हम लोग पूरा विजिलेंट होकर चला रहे हैं तो दुर्घटना को टालने में सक्षम। कुल मिलाकर डीसी लाइन पे खतरा है, लेकिन गाड़ी चलने में कोई खतरा नहीं है, वो नहीं कह सकते हम। गाड़ी चलने में जब खतरा है तो गाड़ी चलने में खतरा है, लेकिन हम लोग सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए, सभी लोग उठाते हुए चला रहे हैं। तो जो स्लो स्पीड में चल रही है, देखते हुए चल रही है, तो वहाँ पे खतरा की संभावना कम है। अगर ये लोग जानना चाह रहे हैं कि डीजीएमएस ने क्या गाइडलाइन तय किया है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन ये है, जो कोयला आग में है उस आग को बुझाना है, खोद के निकाल देना है, जहाँ वॉइड है उसको भर देना है, यही है। तो हो रहा है क्या ये? इस पे एक डिटेल रिपोर्ट है, ये बीसीसीएल उस पे एक्शन ले रही है और जहाँ पे हमें खतरा लगे हम बंद कर देंगे। फिर उस एरिया को पूरा बीसीसीएल, चूंकि एरिया पूरा बीसीसीएल का आता है, वहाँ पे हम काम बंद कर देते हैं, नहीं करना है। और फर्दर रेलवे की तरफ बढ़ने से हमने मना कर रखा है कि फर्दर आप रेलवे की तरफ वर्किंग नहीं बढ़ा सकते।